ग्लोबल मार्केट का मूड खराब नजर आ रहा है। यूएस मार्केट में कल हाहाकार नजर आया, जिससे एक बार फिर से रिसेशन की आहट का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स से लेकर नैस्डैक तक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इसका असर गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा है, जो 200 पॉइंट्स तक फिसल गया। बात अगर इंडियन मार्केट की करें तो सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को सेंसेक्स निफ्टी भी दबाव में दिखे और कारोबार शुरू होते ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अमेरिकी बाजार में सोमवार को लेबर डे की छुट्टी के बाद मंगलवार को जब बाजार ओपन हुए तो अचानक से बड़ी गिरावट आ गई। डाउ जोन्स और नैस्डैक 3% से ज्यादा टूट गए, तो वहीं S&P 500 के ज्यादातर सेक्टर लाल निशान पर आ गए। एशियाई मार्केट्स पर भी इसका असर दिखाई दिया और जापान का निक्केई भी 3% तक फिसल गया। वहीं यूएस मार्केट में मचे इस हाहाकार के बीच वेंसडे को गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट्स गिरकर कारोबार करता नजर आया। चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी एनवीडिया के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई और ये 10% तक टूट गया। ग्लोबल मार्केट का मूड खराब होने का असर भारतीय शेयर मार्केट पर भी दिखाई दिया और बीते कारोबारी दिन मामूली गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को बुरी तरीके से टूट कर खुला। BSE सेंसेक्स 567.26 पॉइंट्स यानी कि 0.69% की गिरावट के साथ 81,988.18 पर ओपन हुआ, जबकि NSE निफ्टी 185.40 पॉइंट्स यानी कि 0.73% फिसल कर 25,094.40 पर ओपन हुआ। बीते कारोबारी दिन सेंसेक्स 82,555.44 के लेवल पर क्लोज हुआ था, जबकि निफ्टी इंडेक्स 25,279.85 के लेवल पर बंद हुआ था। मार्केट ओपन होने के साथ ही इसमें शामिल 1605 शेयर्स ने लाल निशान पर कारोबार शुरू किया, जबकि करीब 879 शेयर्स में तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा 150 शेयर्स ऐसे थे जिनकी स्थिति में शुरुआती कारोबार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। निफ्टी पर BPCL, एशियन पेंट, सन फार्मा, HDFC बैंक में तेजी दिखी, लेकिन ONGC, हिंडालको, विप्रो, JSW स्टील और L&T माइंडट्री में बड़ी गिरावट आई। इस बीच BSE के 30 में से 28 शेयर्स ने गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। ONGC शेयर 2.48% गिरकर ₹314 पर, मिड कैप कंपनियों में शामिल GICRE शेयर 4.66% फिसल कर ₹401.60 पर आ गया। वहीं एम्फेसिस स्टॉक में करीब 3% की कमी आई और ये ₹3,036 पर ट्रेड कर रहा था। कैनरा बैंक शेयर 2.15% गिरकर ₹109.02 पर आ गया। फेडरल बैंक शेयर भी 2% से ज्यादा टूट गया। इसके अलावा इन्फाई शेयर 1.69%, M&M शेयर 1.40%, टेक महिंद्रा 1.30%, TCS शेयर 1.25% और LT शेयर 1.23% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर मार्केट में गिरावट के बीच जहां मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का शेयर मामूली फिसला, तो वहीं टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में गिरावट आई। इनमें टाटा मोटर्स शेयर 0.50%, टाटा स्टील शेयर 0.62%, टाइटन शेयर 0.86% गिरकर कारोबार कर रहा था। इस वीडियो में इतना ही। अब मार्केट की क्लोजिंग कैसे होगी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।